बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस से हम बिहेवियर साइंस का बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन मैं आपको पहले से बताता जाऊँ कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बिहेवियर साइंस को तो कवर कर लेंगे, लेकिन ये डिटेल वीडियो नहीं है। इसके अंदर हम सिर्फ सुपरफिशियल ओवरव्यू ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए के अंदर बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन है। तो बिहेवियर साइंस के अंदर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और साइनो सिस्टम आ जाती है। थ्योरी ऑफ होलिज्म के अंदर बॉडी माइंड सेपरेट और इमोशंस होते हैं, जो कि एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है बायोसाइको सोशल मॉडल। तो बायोसाइको सोशल मॉडल के मुताबिक जो डिजीज है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल है इसमें कॉम्प्लेक्स कंबाइंड सिस्टम है। माइंड बॉडी सेपरेट और सोशल रिलेशनशिप मिलकर काम करते हैं। जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर तीनों मिलकर काम करते होते हैं। जो इंटीग्रेटेड मॉडल है इसमें पांच चीजें आ जाएगी, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियर, सोशो कल्चर और इन्वायरमेंटल है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो इंटीग्रेटेड मॉडल है उसके मुताबिक होम्योस्टेसिस, एलोस्टेसिस है, डिस्ट्रेस है और यू स्ट्रेस की डेफिनेशन कवर होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल की तरफ। पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर जाके काम करता है, ताकि डिजीज को प्रिवेंट कर सके, इनको ट्रीट कर सके और हेल्थ को प्रमोट कर सके। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, इंफॉर्मेशनल केयर है और इसके बाद काउंसलिंग होती है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अटेंडिंग और लिसनिंग है। इसके बाद नंबर टू एक्टिव लिसनिंग होती है। नंबर थ्री वर्बल टेक्निक है। जो वर्बल टेक्निक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लाइक क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं या लीडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद फनलिंग है, पैराफ्रेजिंग है, एम्पैथी बिल्डिंग है, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है और इसके बाद चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी है, प्रीऑक्यूपाइड एंशियस डॉक्टर है, फ्रीक्वेंट इंटरप्शन है या डे ड्रीमिंग है या डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन है, ऑकवर्ड या कंफर्टेबल सिटिंग है, ओके, लैक ऑफ अटेंशन है, ऑफेंसिव रिमार्क्स होती है या फिर सिलेक्टिव लिसनिंग होती है। काउंसलिंग की तरफ आते हैं। काउंसलिंग के अंदर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, ताकि पेशेंट को अपने हेल्थ रिलेटेड इशू की एक्सप्लेनेशन मिल सके, अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अंदर जो काउंसलर है, काउंसलर के पास की एट्रीब्यूट होनी चाहिए, लाइक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, वार्मथ एंड जेन्युइननेस है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी और हियर एंड नाउ है। हम डिटेल से इनको रीड नहीं करें, बल्कि इनकी सुपरफिशियल चीजों को कवर कर रहे हैं, इनके हेडिंग्स को कवर कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्फॉर्मेशनल केयर है। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने किन किन सवालों का जवाब देना पड़ता है, तो आपने जो पेशेंट के जो सवाल हो गए इसमें एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो प्रोग्नोसिस होता है, कि मेरे साथ क्या खराबी है, तो प्रोग्नोसिस का जवाब देना होता है। डायग्नोसिस है, एटियोलॉजी होती है, रिस्ट्रक्शन है, ट्रांसमिशन है या उसकी लाइफ के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट के अंदर लॉन्ग मिनिलेक्स या रिपीटेटिव डिस्कशन होती है, प्रीशियस टाइम का वेस्टेज होता है या टू डिपेंडेंट होता है, अनड्यू फेवर है, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल डिमांड्स होती है या मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन या डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे थ्री फेजेस होती है क्राइसिस के। तो पहला इमरजेंसी, फिर रिहैबिलिटेशन और फिर रिकवरी फेज होता है। कुछ डूज और डू नॉट है, डूज को कवर कर लेते हैं। डूज के अंदर नॉर्मल रिएक्शन है, अंडरस्टैंडेबल यानी एम्पैथी शो करनी है, फॉल्ट आपका नहीं है, आई एम सॉरी दिस इज हैपेंड और थिंग्स ऐसा ऐसा बेटर हो जाएगी। कॉमन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द हेल्थ सेटिंग, तो नीड्स और वांट जब डिमांड पूरी नहीं होती या वैल्यूज टेस्टेड होती है, अजम्पशंस मेड की जाती है, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई होती है या मिनिमल नॉलेज होता है या पर्सनैलिटी, रेस, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग वाला टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट ये वाला टॉपिक बिहेवियर साइंस मवद्दित हुसैन राणा के अंदर नहीं है, और आई थिंक पास्ट में भी शायद कुछ ना कुछ सवाल आ चुका है, तो उसको देख लेना। वैसे मवद्दित के अंदर ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग द बैड न्यूज के अंदर बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लाइक बायोसाइको सोशल मॉडल है, तो उसका निमोनिक होता है स्पाइक्स, एस से सीटिंग और सेटिंग होती है। इसके बाद पेशेंट परसेप्शन है, फिर इन्विटेशन है, फिर एके से नॉलेज होता है, आई से एम्पैथी और एस से समराइज करना, और लास्ट में प्लान ऑफ एक्शन होता है। फिर इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल है, फिर फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, पैटर्नलिस्टिक मॉडल है, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल होता है। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले मेडिकल एथिक्स होती है, मॉरल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ को मेडिकल एथिक्स कहते हैं। इसको दो ब्रांचेस होती है, नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। मेडिकल एथिक्स के चार पिलर होते हैं, ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन बेनिफिशेंस और जस्टिस आती है। कॉमन एथिकल इश्यूज या डिलेमा के अंदर इन्फॉर्म कंसेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, यूथनेजिया, माल प्रैक्टिस और इंक्लूजन ऑफ पेशेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल होती है। ठीक है, तो इसमें से आपने कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी को अपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूथनेजिया। यूथनेजिया की टाइप्स होती है, यूथनेजिया की चार टाइप्स है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, पैसिव और एक्टिव होती है। तो कॉमन एथिकल डिलीमास होती है डॉक्टर की लाइफ के अंदर, तो ये है कि पेशेंट से गिफ्ट को एक्सेप्ट करना, सेक्सुअल बाउंड्रीज को वायलेट कर देना या फी वगैरह चार्ज कर देना पेशेंट से, कॉलीग से, टीचर से या मेडिकल स्टूडेंट से। इसके बाद ई कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन है, मीडिया और मेडिसिन है, और यूथनेजिया और रिलेशनशिप विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है। तो ये सारे किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कॉमन एथिकल डिलीमास या प्रॉब्लम में से बिलोंग करते हैं। इसके बाद राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो पेशेंट की राइट होती है वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
तो ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर तीन मॉडल्स होते हैं, वर्टिकल मॉडल, टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन मॉडल या हॉरिजॉन्टल मॉडल। वर्टिकल के अंदर डॉक्टर डोमिनेट करता है, जबकि टीचर स्टूडेंट के अंदर जो डॉक्टर होता है वो टीचर वाला काम करता है, और म्यूचुअल के अंदर दोनों एक साथ काम कर रही होती है। साइकोलॉजिकल रिएक्शन इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, तो सोशल बॉन्डिंग है, डिपेंडेंस है, ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, रेजिस्टेंस है, फिजिशियन बर्न आउट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफेशनलिज्म इन द हेल्थ केयर। तो जो प्रोफेशनलिज्म होती है उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। और स्किल उसको भी मजीद उन्होंने चार चीज़ों में डिवाइड करती है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल वर्बल है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, पेशेंट मैनेजमेंट स्किल है, और स्किल इन रिसर्च होती है। एटीट्यूड को मजीद इसने तीन में डिवाइड कर दिया है, टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी और टुवर्ड्स द सेल्फ डेवलपमेंट है। जो प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या डेवलपमेंट होती है, तो उसके क्या एटीट्यूड होते हैं प्रोफेशनलिज्म के। तो पहला प्रोफेशनल अटायर या डिमेन्यूअर है, या रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी है, या ग्रास्प में नॉलेज ऑफ ऑन पेशेंट है, कॉन्शियसनेस है, या इंटेग्रिटी इन द रिपोर्टिंग पेशेंट फाइंडिंग है, अवेलेबिलिटी और लास्ट है रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो पहले लर्निंग है, लर्निंग को दो में डिवाइड करती है, क्लासिकल और पेरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल को डिस्कवर किया था पैवलोव ने, जबकि ओपेरेंट को किसने किया था, बीएफ स्किनर ने किया था। तो जो क्लासिकल है उसमें स्टिमुलस पहले देती है रिफ्लेक्स से पहले, ओपेरेंट के बाद रिफ्लेक्स के बाद देते हैं। इसको रशिया में पैवलोव ने डिस्कवर किया था, इसको यूएस के अंदर स्किनर ने किया था। इसके अंदर एसोसिएशन होती है स्टिमुलस की रिस्पॉन्स की, जबकि ओपेरेंट के अंदर रिइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो क्लासिकल वो इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक होती है, जबकि ओपेरेंट कंडीशनिंग की वॉलंटरी होती है, एनवायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करती है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है पैसिव लर्निंग है, जबकि ओपेरेंट कंडीशनिंग एक्टिव लर्निंग होती है। इसके बाद कंडीशनिंग प्रिंसिपल है, लाइक आपने ये याद रखना है कि तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब स्टिमुलस दे रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब स्टिमुलस नहीं दे रहे या स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि बिहेवियर बढ़ जाएगा, लेकिन जो पनिशमेंट है उसका मतलब बिहेवियर कम हो जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब है कि जो बिहेवियर है वो नॉन रीइंफोर्समेंट से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर शेपिंग और मॉडलिंग होती है, शेपिंग के अंदर हम जो रिवार्ड है उसको क्लोज करते रहते हैं, ओके, अपने वांटेड बिहेवियर से। और मॉडलिंग के अंदर कोई भी चीज़ जो कॉपी करते हैं हम, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। इसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल इन द क्लिनिकल सेटिंग है, लाइक ऑपरेंट कंडीशनिंग के बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती है, लाइक बैड हैबिट को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जबकि क्लासिकल की क्या होती है, क्लासिकल में जो फोबिया वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए, या हॉस्पिटल में या कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर आपको देखने को मिलती है। मेटाकॉग्निशन के अंदर कुछ मेटाकॉग्निटिव आइडियाज होती है। थ्री फेजेस ऑफ लर्निंग है, प्लानिंग है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएटिंग होती है। प्लानिंग के अंदर प्लान करना, जबकि मॉनिटरिंग के अंदर अपनी लर्निंग को मॉनिटर करना, जबकि इवैल्यूएटिंग के अंदर फाइनली अपने आपको इवैल्यूएट करना कि मैंने क्या पढ़ा है। मेमोरी की आगे जो स्टेजेस होती है वो तीन स्टेजेस होती है, एन्कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल होती है। तीन टाइप की मेमोरी होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी इसको मजीद दो में डिवाइड करती है, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी है। जो इम्प्लिसिट मेमोरी है उसको प्रोसीजरल मेमोरी कहती है, जबकि जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो कॉन्शियस मेमोरी होती है। उसको मजीद दो में डिवाइड करती है, सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक के अंदर हम मेनली जो जनरल नॉलेज है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि एपिसोडिक के अंदर इवेंट्स या एक्सपीरियंस की मेमोरी होती है। फॉरगेटिंग तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरफेरेंस है, रिट्रीवल प्रॉब्लम है और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है। इसके बाद मेथड्स टू इंप्रूव मेमोरी है, तो एक मेमोरी को इंप्रूव करने का सबसे बड़ा मेथड है मिमोनिक है। तो यहाँ पे मिमोनिक बताया हुआ है, एम एस को सारा, तो एम से बनेगा मिमोनिक, एस से बनेगा सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है, ओके, के से बनेगा नॉलेज है, ओ से ऑर्गेनाइज है, ओ से ओवर लर्निंग भी बनती है, एस से सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन के अलावा स्लीप है, सिलेक्शन है, ओके, इसके अलावा स्पेस प्रैक्टिस आना शुरू हो जाएगा। और जो ए है, ए से बनता है अटेंशन है, आर से रिसाइटेशन बनता है, आर से रिहर्सल भी बनती है, और आर से रिव्यू भी बनता है। फिर इसके बाद बारी आती है ए की, तो फिर ए से बनेगा अटैच, फीलिंग एंड इमोशन होती है। पैथोलॉजिकल चेंजेस और मेमोरी, स्ट्रेस के अंदर थायमिन डेफिशिएंसी के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, अल्जाइमर डिजीज के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, हेड इंजरी के अंदर, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज के अंदर देखने को मिलती है। डिमेंशिया को देखने के लिए एमएमएससी स्कोर देखते हैं, एमएमएससी स्कोर के अंदर जो 18 आएगा तो वो माइल्ड डिमेंशिया को शो करेगा, अगर 12 से लेकर 18 तो वो मॉडरेट, अगर 12 से भी कम हो गया तो वो सीवियर डिमेंशिया को इंडिकेट करेगा। परसेप्शन है, परसेप्शन के जो हम देखते हैं, सुनते हैं या जो हम परसीव करते हैं, ओके, स्टिमुलस को, तो उसको परसेप्शन कहते हैं। जो बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज में पैटर्न परसेप्शन है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, शेप कंसिस्टेंसी है, साइज कंसिस्टेंसी है, ऑडिटरी है, डेप्थ परसेप्शन है। जो एब्नॉर्मलिटीज होती है उसमें इल्यूजन है, हेलोसिनेशन होती है, इल्यूजन के अंदर मिस परसेप्शन होती है, जबकि हेलोसिनेशन के अंदर जो परसेप्शन होती है बगैर किसी स्टिमुलस की। एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशियल परसेप्शन के अंदर क्लैरवेंस आती है, टेलीपैथी या प्रीकॉग्निशन और टेलीकाइनेसिस आ जाएगा। थिंकिंग है, तो थिंकिंग के अंदर दो स्ट्रेटजीज होती है जिनके जरिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या तो फार्मूले को यूज करेंगे जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, या फिर एजुकेटेड गैसेज करेंगे तो उसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ऑब्स्टेकल्स एंड द एड्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स होते हैं, फंक्शनल फिटनेस और रिजिडिटी, या मेंटल सेंड एजम्पशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफर आती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक 7 स्टेप्स। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, फिर अल्टरनेटिव एक्शन है, फिर वेइंग आउट करनी है कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर चॉइस मेक करनी है, फिर एक्शन करना है, फिर उस डिसीजन को या कॉन्सिक्वेंसेज को रिव्यू करना होता है। इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग के
कुछ बैरियर्स होते रहेंगे, इमोशनल बैरियर है, परसेप्चुअल बैरियर है या कल्चरल बैरियर होता है। इमोशनल बैरियर के अंदर फियर ऑफ फेलियर है या एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाता है। परसेप्चुअल के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई ना कर सकना। अच्छा, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर तो 5 स्टेजेस होती है। इसका मिमोनिक ओपी है, ओ से ओरिएंटेशन है, पी से परसेप्ट प्रिपरेशन है, आई से इंक्यूबेशन है, आई से इल्यूमिनेशन बनती है, ओके, और वी से वेरिफिकेशन बनती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इमोशंस है। तो इमोशंस प्राइमरी इमोशन के अंदर फेयर है, सरप्राइज है, सैडनेस है, डिस्गस्ट है, एंगर है, इसके अलावा एंटिसिपेशन है, जॉय और सेप्टेंस होती है। सेकेंडरी के अंदर अगर आप जॉय और सेप्टेंस को मिला दो तो लव बन जाएगा, और लव एंगर और फेयर को मिला दो तो जाले से बन जाएगा। और लैक ऑफ इमोशन को अलग से थीमिया कहते हैं। फिर मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये वो प्रोसेस है जैसे जो किसी बंदे को मोटिवेट करता है किसी पार्टिकुलर गोल की तरफ, ओके, और हमारे गोल को मोटिव्स कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्किल को फुली यूज करते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है, तो इसमें सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, नीचे सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, इसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी है, इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, फिर एस्टीम और रिकॉग्निशन, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, लाइक वो रियलिटी को अच्छे तरीके से परसीव करता है, कंफर्टेबल एक्सेप्टेंस होती है अपनी या दूसरों की या नेचर की, ऑटोनॉमी है, रिलेशनशिप विद ह्यूमैनिटी हो जाती है, प्रोफाउंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, नॉन हॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर है, स्पॉन्टेनिटी है, टास्क सेंटरिंग होती है, और पीक एक्सपीरियंसेस होती है। इंटेलिजेंस की तरफ आती है तो फिर बच्चों के अंदर जो स्किल यूज किया जाता है वो विस्क 3 है, जबकि बच्चों के अंदर वेसर होता है, ठीक है। आई क्यू और ई क्यू का फर्क पूछा जाता है एग्जाम में, तो आई क्यू एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का मेजरमेंट होती है, वो इंटेलिजेंस जिसके जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कुछ नया सीख सकते हैं या लॉजिक यूज कर सकते हैं। ई क्यू इमोशनल इंटेलिजेंस को मॉनिटर करती है, ये वो एबिलिटी होती है जिसके जरिए हम इमोशन को मैनेज कर सकते हैं, इमोशन को एक्यूरेटली परसीव भी कर सकते हैं, इमोशन को यूज भी कर सकते हैं ताकि हम थिंकिंग कर सके या इमोशनल मीनिंग को अंडरस्टूड भी कर सकते हैं या फिर इमोशंस को मैनेज वगैरह भी कर सकते हैं। जो आई क्यू है बर्थ के टाइम पर फिक्स होती है, लेकिन ई क्यू है ये फ्लेक्सिबल स्किल होती है जिसको सीखा जा सकता है। ये न्यू कॉर्टेक्स के अंदर होती है जबकि लिम्बिक सिस्टम के अंदर होती है। ये बुक स्मार्ट है जबकि स्ट्रीट स्मार्ट होती है। ये अपने तमाम थ्रेट्स को कन्फ्रंट करती है जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है, जबकि जो आई क्यू है काम पीरियड के अंदर इफेक्टिव होता है जबकि ई क्यू स्ट्रेस के टाइम पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, मैनेजिंग इमोशन है, मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ है, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर्स है, उसके अलावा हैंडलिंग रिलेशनशिप होती है। ये कंपोनेंट होती है इमोशनल इंटेलिजेंस के। फिर इसके बाद अगर आपने इंप्रूव करना है इमोशनल इंटेलिजेंस को तो फिर आपने ये देखना है कि ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरह लोगों पर रिएक्ट करते हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर किस तरह रिएक्ट करते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अपने वर्क एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना है, ओके, ठीक है, और एक्शन लेने से पहले यह सोचना है कि हमारे एक्शन किस तरह लोगों को असरअंदाज करेगा। फिर स्टेजेस ऑफ स्लीप है, दो टाइप की स्लीप होती है, आरईएम और नॉन आरईएम। आरईएम के अंदर जो कोई स्टेजेस नहीं होती, नॉन आरईएम या स्लो वेव स्लीप के अंदर 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो स्टेज 1 लाइटर स्लीप होती है, इसके अंदर कामनेस होती है, जबकि स्टेज 2 में स्लीप सिंबल स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स आती है, स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर डेल्टा वेव आती है, ठीक है। जो आरईएम 10 से लेकर 40 मिनट की होती है और हर 90 मिनट की बताना शुरू हो जाती है। स्लीप इंडक्शन के लिए पूरा एक कहानी है जिसको अभी यहाँ पे नहीं सुना रहा मैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन टू इंप्रूव स्लीप है। तो आपने सेम टाइम के ऊपर सोना और जागना है, ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, सीएनएस एक्टिंग ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना, डे टाइम नैप को अवॉइड करना है, फिजिकल फिटनेस स्टैब्लिश करनी है, इवनिंग स्टिमुलेशन को मिनिमाइज कर देना है, रेगुलर टाइम के ऊपर खाना खाना है आपने, कंफर्टेबल स्लीपिंग कंडीशन होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन रखनी है, नमाज वगैरह पढ़नी है आपने, बेड के ऊपर सिर्फ उसी वक्त पर जाकर लेटना है जब आपको नींद आ रही हो, स्ट्रेस रिडक्शन करनी है, रिलैक्स रीडिंग होती है, कूल रूम होना चाहिए, ठंडा कमरा होना चाहिए, और सोने से पहले कोई लाइट बेड टाइम स्नैक्स वगैरह लेने चाहिए। फिर जो स्लीप के डिसऑर्डर होते हैं प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर, तो दो टाइप की होती है, डिसोमनी और पैरोसमिया। डिसोमनी के अंदर मजीद प्राइमरी इंसोमनी आता है, प्राइमरी हाइपर इंसोमनी है, नार्कोलेप्सी है, ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसके अलावा सर्कैडियन रिदम रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर है, जबकि पैरोसमिया के अंदर नाइटमेयर डिसऑर्डर है, नाइट टेरर डिसऑर्डर और स्लीप टेरर डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर आ जाती है। सेक्शन डी की तरफ चलती है, तो सबसे ज्यादा नहीं है तो पर्सनालिटी वाला, वैसे ये भी सेक्शन सी के अंदर आता है। तो पर्सनालिटी के अंदर जो पेजर थ्योरी होती है, पेजर थ्योरी के अंदर तीन ही बल्कि 4 स्टेजेस होती है, सेंसोरी मोटर 0 से लेकर 2 साल तक होती है, फिर प्री ऑपरेशनल या फिर ऑपरेशनल आती है जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर 7 होती है, 7 से लेकर 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, जबकि 11 से ऑनवर्ड फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर सिगमंड फ्रायड की थ्योरी आ जाती है, ओरल एनल फैलिक और लेटेंट जेनिटल स्टेज है। जो ओरल स्टेज है वो 0 से लेकर 18 महीने तक होती है, इनल स्टेज 18 से लेकर 3 साल तक होती है, फैलिक 4 से लेकर 5 साल तक होती है, लेटेंट 6 से लेकर प्यूबर्टी तक होती है, और जो जेनिटल है वो भी आगे प्यूबर्टी से आगे कंटिन्यू वगैरह करती है। जो एरिक्सन थ्योरी है जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहती है, तो यहाँ पर 8 स्टेजेस होती है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड को ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट कहते हैं, लेट चाइल्डहुड को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं, स्कूल एज वाले को इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी कहते हैं, एडोलेसेंस वाले को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। इसके बाद जो आती है यंग अडल्टहुड है, तो 18 से लेकर 40 तक होती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होती है, मिड अडल्ट के अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होती है, और लास्ट में इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो
पर्सनैलिटी की टाइप, लाइक सैंग्विन के अंदर चेयरफुल विगरस है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, मेलैंकोलिक के अंदर डिप्रेस होता है, कॉलेरिक के अंदर हॉट टेंपर्ड है, जबकि फ्लैगमेटिक के अंदर स्लो मूविंग एंड एक्साइटेबल होता है। टाइप और टाइप बी में क्या फर्क होता है? टाइप ए हार्ड ड्राइविंग होती है, कॉम्पिटेटिव होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के अंदर लिव करते हैं, यानी आप टाइप ए को फ्रंट बेंचर कह सकते हो, टाइप बी को बैक बेंचर कह सकते हैं। जो टाइप ए है ये हर काम ठीक है वक्त पे करते हैं, जबकि ये डेड लाइन पे जाकर काम करते हैं, स्ट्रेसफुल रहती है जबकि स्ट्रेसफुल नहीं रहते। टाइपिंग के अंदर हार्ट डिजीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद पर्सनैलिटी के टाइप, लाइक पैरानॉइड के अंदर सस्पिशियस सेंसिटिव होता है, सेल्फ रिफरेंशियल होता है, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, शिजोइड के अंदर ट्रस्ट नहीं होता दूसरों के ऊपर, इमोशनली कोल्ड होता है, डिटैच होता है, इंट्रोवर्ट होता है, फैंटेसी से प्रीऑक्यूपाइड होता है, एंटी सोशल के अंदर लैक ऑफ कंसर्न होती है दूसरों के लिए, इमोशनली अनस्टेबल के अंदर वो एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता होता है, हिस्टोरियन के अंदर सेल्फ ड्रामेटाइजेशन होती है, एंशियस के अंदर फीलिंग ऑफ टेंशन होती है, सोशल इन्फीरियरिटी होती है, अनकेस्टिक के अंदर ऑर्डर होती है, परफेक्शनिज्म होती है, और डिपेंडेंट के अंदर कुछ ज्यादा दूसरों की मदद रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कल्चर की सिविलाइजेशन की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का इंजेक्शन के बारे में स्ट्रांग व्यूज होती है अपने अपने कल्चर के मुताबिक। कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, कुछ कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल होता है, कुछ लोगों का डिफरेंट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है तासीर और मेडिसिन के बारे में, यानी कुछ लोग कहते हैं कि गर्म दवाई है, कुछ कहते हैं ठंडी दवाई है। जो एशियन रेसेस होते हैं उनको रिलेटिवली लेस डोजेस रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न रेसेस, ठीक हो गया ओके। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग कल्चर है, तो बिलीफ एजम्पशन आइडियाज एंड प्रिंसिपल को कहते हैं, जो कि हमारे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर फॉलो की जाती है। वैल्यूज ये दो एस्पेक्ट ऑफ कल्चर होती है जिनको हाई रिगार्ड पे रखा जाता होता है और डिजायरेबल होती है। इसके बाद नॉर्म्स होती है, नॉर्म्स राइट और रॉन्ग एक्शन के प्रिंसिपल्स को कहते हैं। इसके बाद जो फोक वे है, कस्टमरी पैटर्न होती है ओके, लाइक डॉक्टर साहब है ओके। और इसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो जो कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच होती है, तो उसको अप्रोच को रिमेंबर करने के लिए मिमोनिक है वो लर्न होती है, पहले लिसन है, फिर एक्सप्लेन है, फिर एक्नॉलेज है, फिर रिकमेंड है, फिर निगोशिएट आ जाती है, फिर रिलीजन है, फिर ट्रीटमेंट एडहेरेंस या कंप्लायंस होती है। जो नॉन कंप्लायंस होती है उसके क्या कॉजेस होती है? लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट है, डिप्रेस्ड पेशेंट है, या लैक ऑफ रिस्पॉन्स है, या कंफ्यूजिंग क्लिनिकल पिक्चर होती है। एसेंशियल एलिमेंट जो कि कॉम्प्लायंस को इंप्रूव कर देते हैं, फिर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए, कि अवेयरनेस होनी चाहिए पेशेंट के हेल्थ बिलीफ मॉडल की, इमोशनल सपोर्ट या पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, पेशेंट के लिए एप्लीकेबल कोर्स को तजवीज करना है ओके, स्पेसिफिक प्लान को डेवलप करना है, और पेशेंट के डिप्रेशन को या होमलीनेस में को रिकॉग्नाइज करना होता है। इसके बाद से एक रोल और स्टिग्मा है जिनको अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग है, लाइक ऑथोराइजेशन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने सारे रूल्स बच्चों के ऊपर थोप देती है, परमिशन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की डिमांड को पूरा कर लेते हैं, और जो अथॉरिटेटिव होते हैं इन दोनों को मिला दो, यानी वो ओबीडियंस को डिमांड भी करते हैं और बच्चों की सारी ख्वाहिशात वगैरह को पूरा भी कर लेते हैं। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर उसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। जब सेक्शन ई होता है तो सबसे पहले साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ पेन है, तो उसकी मैनेजमेंट के अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, पेशेंट को अलाउ करना कि अपनी डिस्ट्रेस की फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, पेशेंट का कॉज ऑफ पेन के बारे में व्यू लेना है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का डिस्कस करना है, साइकोट्रॉपिक ड्रग को एडमिनिस्टर करना, लाइक ऐसे सारे एंटीडिप्रेसेंट होती है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मसाज है, मेडिटेशन है, सोशल स्किल है, सोशल सपोर्ट है, योगा और म्यूजिक आ सकती है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की बात हम स्ट्रेस की यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है इसमें टेम्परेचर, नॉइस, हंगर, डिजीज है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आ जाती है, जबकि साइकोलॉजिकल के अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं, लाइक लो सेल्फ स्टीम है, सोशल फैक्टर है, जॉब इंस्टेबिलिटी है, कैरियर सेटिस्फेक्शन है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज है ठीक है, चिल्ड्रन है, इनकी वजह से भी कोई ना कोई स्ट्रेस हो सकता है। जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ओके, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हाई स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन उसे उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो उनके पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको याद करने का तरीका है 4C। तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, सेंस ऑफ कंट्रोल है, इसके अलावा चैलेंज के तौर पर लेते हैं किसी चेंज को, या कोहेरेंस होती है ठीक है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि चीज़ किस तरह से जाके काम करेगी, तो फिर कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज और कोहेरेंस आना शुरू हो जाएगा। रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बींग टू द स्ट्रेस, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है स्ट्रेस की, इसके अलावा इमोशनल मैनिफेस्टेशन होती है और बिहेवियर मैनिफेस्टेशन होती है। इसको आप यहाँ से तैयार कर लेना, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एसेंशियल हाइपरटेंशन भी होती है, एंजाइना पेक्टोरिस है, टैकीकार्डिया अरिथमिया, कार्डियो स्पैज़म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, माइग्रेन और हेडेक होती है, जीआईटी के ऊपर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हार्मोन्स के ऊपर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपर दोनों होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपो दोनों होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और ओबेसिटी हो सकती है, इम्यून के अंदर एलर्जिक डिसऑर्डर है, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एड्स हो जाएगा, इंटरगोमेंट्री के अंदर न्यूरोडर्मेटाइटिस है, प्रूराइटिस होती है, सोरियोसिस होती है, उर्टिकेरिया, एलोपेकिया, एक्ने, हर्पीस
पीस और जेनिटल वार्ड्स है, न्यूरो मस्कुलर केबल, क्रॉनिक पेन है, हेडेक एंड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रेनाउट डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी के ऊपर एस्थमा, हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम और ट्यूबरकुलोसिस होना शुरू हो जाती है, इमोशनल मैनिफेस्टेशन और स्ट्रेस के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों आ जाती है। सिंपैथेटिक के केस में एंजाइटी, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, हाइपर विजिलेंस, हाइपर अराउजल और इंक्रीज स्टार्टर रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा। पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्डर के अंदर गिल्ट, ग्रीफ, सैडनेस, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और अबेंडेंट और दूसरों से हेल्प ना रिसीव करना। बिहेवियर मैनिफेस्टेशन के अंदर सोशल विड्रॉल है, पुअर स्लीपिंग होती है, पुअर ईटिंग हैबिट है, पुअर एक्सरसाइज है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग है, ड्रग अब्यूज है, केयरलेसनेस होती है, प्रॉब्लम विद अथॉरिटी होती है, रूल्स और रेगुलेशन के साथ होती है, तो ये बिहेवियर मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस के अंदर टाइम को मैनेज करो, सेंस ऑफ ह्यूमर को इंप्रूव करो, अननेसेसरी एक्सपोजर को मिनिमाइज करो, दूसरों की हेल्प करो, सोशल सपोर्ट को डेवलप करो, बिहेवियर को मैनेज करो, अपने पास्ट फेलियर के ऊपर फिक्सेटेड ना रहो, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में मैनेज रखो, लाइफ के मीनिंग और पर्पस को एक्सप्लोर करो, पर्सनल या वोकेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करो रेगुलरली, बी कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव वे में थिंक करो, क्लैरिफाई करो वैल्यूज को, एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट को ईट करो, रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करो। तो मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर 5 से 7 सेकंड तक मसल को टेंस करते हैं, फिर आगे रिलैक्स कर देते हैं। साइकोट्रॉमा के आगे यानी रिएक्शन क्या होता है ह्यूमन बींग टू द ट्रॉमा, तो गिल्ट है, सेल्फ ब्लेम, इंसोम्निया, एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी स्ट्रेस वाली चीजें यहाँ पे उन्होंने लिख दी है। इसके बाद हम चलते हैं सुसाइड की तरफ। तो रिस्क फैक्टर और सुसाइड क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कुछ फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ सोशल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर मेल जेंडर है, अर्ली एज है, साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, साइकियाट्रिक केयर या पहले कोई सुसाइडल बिहेवियर था, फैमिली रिलेटेड के अंदर सिंगल है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, चाइल्ड अब्यूज की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की, सोशल के अंदर सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, माइग्रेंट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है या सोशल आइसोलेशन है, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर के अंदर इजी एक्सेस टू द मेथड है, कल्चरल सपोर्ट होती है, मीडिया क्यूज और सुसाइड अमंग द पीयर्स होती है, प्रोटेक्टिव फैक्टर या बाद में देखेंगे। आगे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती है, ओके, वो कौन से पैरामीटर्स होती है जो कि साइकोलॉजिकल हेल्थ और नॉर्मलिटी को मेंटेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो डायनेमिज्म, ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल कंटेनमेंट होती है, ऑक्यूपेशनली इफेक्टिव होती है, इकोनॉमिकली इमेंसिपेटेड होती है, पेन और डिस्कम्फर्ट से रिलीव होता है, होम्योस्टेसिस होती है। इसके बाद डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, लाइक डिनायल है, डिस्प्लेसमेंट है, फैंटेसी है, आइडेंटिफिकेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, जो डिसोसिएशन है, रिप्रेशन और सप्रेशन होती है। अब देख लेते हैं स्ट्रेस ड्यू टू द इलनेस, तो स्ट्रेस ड्यू टू द इलनेस के अंदर चेंज ऑफ रोल है, फाइनेंशियल लॉस है, स्टिग्मेटाइजेशन होती है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम है, फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड और अनसर्टेन प्रोग्नोसिस होती है, जबकि स्ट्रेस ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी है, सेपरेशन फ्रॉम द डियर वन, इशू ऑफ हैंडलिंग मैटर टू द टोटली स्ट्रेंजर्स है, या फिर सोशल डिसफंक्शन का थ्रेट आ सकता है, या अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से स्ट्रेस होता है। जो ICU के अंदर ICU साइकोसिस या ICU सिंड्रोम होता है, इसमें वेकफुलनेस काफी बढ़ जाती है, डिसओरिएंटेशन होती है, विजुअल हेलुसिनेशन होती है, डिप्रेशन होता है, सोशल विड्रॉल होता है, एंजाइटी होती है, हेलुसिनेशन होता है, डिलीरियम और डिलीरियम देखने को मिलता है, सेंसरी ओवरलोड की वजह से होता है, स्टाफ की वजह से होता है, हाई लेवल एक्टिविटी की वजह से होता है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट के ना होने की वजह से होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं रिएक्शंस कॉमनली सीन इन द सर्वाइवर ऑफ टेररिस्ट अटैक, तो वाई मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं, मुझे साइट को विजिट करना चाहिए, मैं उनको बम कर दूंगा, इनके पास रीजन होना चाहिए, नथिंग कैन बी डन, लीव अस अलोन, आई डोंट बिलीव देयर वॉरियन, दे आर द पार्टनर्स विद एजेंसी एंड द वेस्ट, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, आई डोंट वांट टू ऑफर प्रेयर एनी मोर, आई वांट टू ज्वाइन द आर्मी, तो ये रिएक्शंस होती है जो कि सर्वाइवर्स में देखने को मिलती है जिनके ऊपर कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं चीजें साइको सोशल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिस्ट अटैक, तो साइको ट्रॉमा को मोबिलाइज कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइको सोशल केयर विद सर्जिकल केयर है, सर्वाइवर को लिंक करना, उनकी फैमिली के साथ लिंकिंग अप कर देनी, अपडेटिंग है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेड बॉडीज है, रिलीजियस और कल्चरल रिचुअल होते हैं, ओके, इसके बाद ये बड़ा फजूल सा टॉपिक है। इसके बाद डिफरेंट मिथ्स आ रही है, उसको भी हम अभी नहीं कर रहे, मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो यहाँ पर हम इसको यहीं से कवर कर लेते हैं, ओके, तो डिसोसिएटिव या पोजेशन स्टेट है नहीं, यहाँ पर इसको लिखा हुआ नहीं है, यहीं से करना पड़ेगा। एग्जाम में मिक्स एंजाइटी और डिप्रेशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछी जाती है, अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी अगर डिप्रेशन सीवियर है तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एंजाइटी सीवियर है तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर हेलुसिनेशन और इल्यूजन भी मौजूद है तो एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर है, अगर एक्साइटमेंट है, रैपिड स्पीच और एलिवेटेड मूड है तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पैनिक डिसऑर्डर के, तो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो क्रोनिक आर्टरी डिजीज है, फोबिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन जब होगी, जब लो या सैड मूड होगा, फोबिक के अंदर जो अटैक होता है स्पेसिफिक फियर सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज के अंदर कोई ना कोई आपको ईसीजी मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती होती है। इसके बाद हम के चलते हैं, ओके, तो डिसोसिएटिव एंड द पोजेशन स्टेट होती है, तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो कोई साइकियाट्रिक पैथोलॉजी वगैरह भी हो सकती है, लाइक पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजन है, या कोई कोमॉर्बिड सिचुएशन है लाइक साइकोसिस वगैरह, साइकोमोटर एपिलेप्सी, इनसे आपने डिफरेंशिएट करना होता है। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं
तो पैनिक डिसऑर्डर का क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है? तो पैनिक डिसऑर्डर उसमें 3 से लेकर 4 अटैक होते हैं। एंजाइटी के बढ़ डिजीनेस होती है, फीलिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक वाली फीलिंग होना शुरू हो जाती है, पालपिटेशन है, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी होती है, मिस्ड एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर डिप्रेशन वाला फैक्टर भी आ जाएगा। बंदा अपनी रोजीन रूटीन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, पेन फटीक होता है, अनएक्सप्लेन सोमैटिक कंप्लेन या परसिस्टेंट कंप्लेन के अंदर एटिपिकल या अनयूजुअल कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, लाइक पेट में गैस है, गोला है या पेन है लेकिन कोई डेफिनेटिव साइट नहीं है, यानी ऐसे फिजिकल सिम्टम होते हैं जिसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो उसको अनएक्सप्लेन सोमैटिक कंप्लेन या परसिस्टेंट कंप्लेन वगैरह कहती होती है। इसके बाद डिसोसिएटिव या पोजेशन स्टेट है, यानी किसी को जिन भूत ने वगैरह ने कब्जा कर लिया है। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर हेलोसिनेशन होती है, डिलूजन वगैरह देखने को मिलती है। ओके, डिलीजन के अंदर कंफ्यूजन है, एजिटेशन होती है, पूरे मेमोरी इल्यूजन होती है, लॉस ऑफ मेमोरी या ओरिएंटेशन है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अल्टरनेट एपिसोड ऑफ मेनिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब है बायोलॉजिकल सेक्स, सबकी जो जेंडर आइडेंटिटी है कि किस तरह से इंडिविजुअल अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल बिहेवियर इसको छोड़ देते हैं, साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटीज को भी छोड़ देते हैं। हाँ, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस होती है। अच्छा, यहाँ पर सेक्सुअल डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th एडिशन। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस जिनको पैराफिलिया या सेक्सुअल परवर्जन कहते हैं। इसके बाद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर आपने और ये मेनली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता, वैसे एग्जाम में ये चीज़ पूछी नहीं जाती, तो हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। प्रेफरेंस के अंदर 2 मेन टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ प्रेफरेंस इन द सेक्सुअल एक्ट। जो ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं तो वो पीडोफिलिया हो सकता है, बच्चों के साथ करना, ऑब्जेक्टोफिलिया में ऑब्जेक्ट के साथ करना, फेटिशिज्म के अंदर प्रॉपर वाचिंग वगैरह से, ठीक है, दूसरे ऑपोजिट जेंडर के आर्टिकल वगैरह से, ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो डिसऑर्डर होते हैं एबनॉर्मल प्रेफरेंस इन द सेक्सुअल एक्ट, तो इसमें सैडोमसोखिज्म है, एक्सहिबिशनिज्म है, वॉयरिज्म वगैरह हो जाती है, तो इसमें किसी और चीज से वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को अचीव करता है। तो यहाँ पर पेडोफिलिया, फेटिशिज्म है, एक्सहिबिशनिज्म है, सैडोमसोखिज्म है, ट्रांसवेस्टिज्म है, ट्रांससेक्सुअलिज्म है, वॉयरिज्म होती है और फ्रोटोरिज्म होती है। और इसी का सवाल आज के पेपर में भी आया था, जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, तो इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर होते हैं इसमें ट्रांससेक्सुअल आती है, जेंडर क्वियर और क्रॉस ड्रेसर आती है। जो ट्रांससेक्सुअल होती है ये दूसरे ऑपोजिट जेंडर की बॉडी को ट्रीट करना पसंद करते हैं। जेंडर क्वियर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम किसी भी जेंडर से बिलोंग नहीं करते, ना ही मेल ना ही फीमेल है। और क्रॉस ड्रेसर के अंदर जो कि अपने बायोलॉजिकल सेक्स से आइडेंटिफाई तो हो जाते हैं लेकिन ये दूसरे ऑपोजिट जेंडर के क्लोज को पहनना पसंद करते हैं और वो अपने जेंडर को चेंज करना पसंद नहीं करते, तो ये क्रॉस ड्रेसर के अंदर आ जाते हैं, जिसको डुअल ट्रांसवेस्टिज्म कहते हैं। ओके, जो ट्रांसवेस्टिज्म है इसमें क्लोज से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है। इसके बाद डेंटल फोबिया जो हमारी किसी काम का नहीं है, और PS यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग छोड़ देती है दरमियान में, तो आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।